पहुंचे जो दश्त की में उड़ाते हुए फरस, फरस घोड़ा, पहुंचे जो दश्त की में उड़ाते हुए फरस, घोड़े को हाथ उठा के ये आवाज दी कि बस। देखी सफ़े जमी जो चपो रास व पेश पस, नारा किया के नहर पे जाने की है हवस, और रोकेगा जो वो मौत के पंजे में आएगा, हट जाओ सब के शेर तराई में जाएगा। लगा रहा हूं मजामी में नौ के फिर अंबार, खबर करो मेरे खिरमन के खोशाचीनों को। खिरमन यानी खलियान और खोशाचीनों, ये खलियान में ये जो गुच्छे हैं उनको चुन लेने वाले, या यूं समझिए कि दूसरों के दुख में फायदा उठाने वाले। ये कलाम था मीर अनीस साहब का, और मुलायजा हो कि जर्रों में रोशनी तजल्ली तूर है, अल्यूजन टू इफल्जेंस ऑफ लाइटनिंग ऑन दी माउंटेन, तूर माउंटेन और साइनाई। जर्रों में रोशनी तजल्ली तूर है, एक आफताब रुख की जिया दूर दूर है, जिया यानी ब्रिलियंस। कोसों जमीन अक्स से दरियाए नूर है, अक्स इमेज शैडो। कोसों जमीन अक्स से दरियाए नूर है, अल्लाह रे हुस्न तबकाए अंबर सरिश्त का। अंबर सरिश्त क्लास ऑफ फ्रैग्रेंट नेचर। अल्लाह रे हुस्न तबकाए अंबर सरिश्त का, मैदान करबला है नमूना बहिश्त। मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर के पहले महीने के एक नौहागिरी की रवायत रही है, क्योंकि इसी महीने में इमाम हुसैन इब्न अली प्रॉफेट मोहम्मद के नवासे, उनके परिवार और साहबान की शहादत हुई करबला की लड़ाई में। एक सेरेमोनियल मॉर्निंग का ही एक हिस्सा है हसासियत और जज्बात के साथ सोज़खानी। लखनऊ जो कि हिंदुस्तान में शिया का मरकज रहा है, और यहाँ और बाज बहुत से जगहों में सोज, सलाम, नौहा और मरसिया सुनाया जाता रहा है। ये सब हैं, एक यूं कहें कि राइमिंग क्वाट्रेन या कपलेट के फॉर्म्स हैं। और हिंदुस्तानी मौसीकार, हिंदुस्तानी म्यूजिकल ट्रेडिशन के मौसीकार इस महीने के शुरू के 10 दिनों में मौसीकी की रियाज या परफॉर्मेंस नहीं करते, लेकिन सोज और मरसिया का मौसीकी रूप पेश करते हैं। इनके बारे में जानने और सोज खानी के कमाल को समझने हमारे साथ हैं जनाब ज्योति स्वरूप पांडे जी। ये इंडियन फॉरेन सर्विस से रहे और कई मुल्कों में हिंदुस्तान के सफीर रहे, और मौसीकी और गायकी में इनका बचपन से शौक था। तो इनका सोज खानी का सिलसिला शुरू हुआ कोई 30-32 बरस पहले, और आज लखनऊ, दिल्ली, रामपुर, अमरोहा, मुस्तफाबाद, तमाम जगहों की मजलिसों में शरीक होते हैं। तो अब इनका सफर इन्हीं की जबानी। पांडे साहब, खुशामदीद। जी नमस्कार साहब, आपके दर्शकों को, सुनने वालों को भी हमारा नमस्ते। हम आरंभ करते हैं एक सोज के नमूने से, फिर उसका विश्लेषण हम लोग करते जाएंगे। जी। वाजो शाह के लश्कर में कहत पानी का, वाजो शाह के लश्कर में कहत पानी का, अजीब हाल हुआ
फातिमा के जानी का आ कभी ख्याल था अकबर की नौजवानी का कभी मला असगर की बेजुबानी का कभी बहन के लिए बेकरार होते थे कभी बहन के लिए बेकरार होते थे कभी सकीना का मुंह देख देख रोते थे हुआ जो शाह के हुआ जो शाह के लश्कर में कहत पानी का अजीब हाल हुआ फातिमा के जानी का कभी ख्याल था अकबर की नौजवानी का कभी मलाल था असगर की बेजुबानी का कभी बहन के लिए बेकरार होते थे कभी सकीना का मुंह देख देख रोते थे। अब ये छह मिसरे थे जिसका आपने सुना होगा कि जो पहले चार मिसरे थे तो उसमें रदीफ काफिया एक ही है और आखिरी के दो जिसके बैत कहते हैं अलग रदीफ और काफिया और इसको मुसद्दस कहा जाता है मतलब छह पंक्तियों का छह मिसरों का एक बंद स्टैंजा चाहे कहें और जो सोज जो है वो दरअसल मर्सिया के एक बंद को ही कहा जाता है। लेकिन इस पर जाने से पहले शब्द का अर्थ क्या है। शब्द का सोज का मतलब होता है जलन वेदना अथाह कष्ट। तो अब सोज किस बात का मनाया जा रहा है वो आपने पहले समझा दिया कि हुसैन इब्न अली जिनके करीब करीब सारे परिवार को करबला में जो कि बगदाद के नजदीक है और फरात यूफ्रेटिस नदी के किनारे है दो सेनाओं ने आके घेरा एक आई कूफा से एक आई दमिश्क से 10 दिन तक उनको घेर के रखा और फिर जो उस बीच में आपस में जंग होते रहे और बातचीत होती रही मतलब के ताने देने ये वो के जो हाकिमुल वक्ता दमिश्क का वो चाहता था कि ये इनको अपने को ये इमाम हुसैन खलीफा मान लें उनने कहा मैं नहीं मानूंगा हालांकि मेरा कोई अपना दावा नहीं है इस पर। तो 7वीं तारीख को उसने इनका नदी पर जाना बंद कर दिया तो इसलिए हुआ जो शाह के लश्कर में तहत पानी का तो 7वें दिन के बाद 7वें से 10वें दिन के बीच में पानी इनका बंद हो गया और फिर एक एक दो दो करके सबको मार दिया गया अलावा के एक उनका लड़का जो बच गया उस पर हम लोग बात में तो जी। ये तो है सोज की शक्ल और आपने सुना होगा कि इसमें राग सारंग का एक प्रकार था और फिर बैत में बड़ी खूबी से जिसने भी बांधा इसको
हम ये भी बताते चलें, ये हमने सुना था एक कराची के सोस्कान हुआ करते थे जनाब सिप्त जाफर, अब वो नहीं रहे, तो उनके उनसे हमने सुना था। तो उसमें किस खूबी से सारंग से देश में प्रवेश करते हुए वापस सारंग में आते हैं, ये कमाल की बात थी जी। अब रही बात सलाम की जी, सलाम जो है वो उसमें गजल की शक्ल होती है, मतलब के उसमें दो दो मिसरों के शेर होते हैं, और अशार का कोई जरूरी नहीं है कि एक दूसरे से कोई मेल हो। एक नमूना ये सुनने आप जी। सलामी लुत्फ जुबान हम जुबान उठाते हैं, सलामी लुत्फ जुबान हम जुबान उठाते हैं, मेरे सुखन का मजा कद्रदान उठाते हैं, मेरे सुखन का मजा कद्रदान उठाते हैं। राग झंझोटी चल रहा है। कहा हुसैन ने प्यासे हैं तीन रोज से हम, कहा हुसैन ने प्यासे हैं तीन रोज से हम, तयूर लज्जते आबे रवां उठाते हैं, तयूर लज्जते आबे रवां उठाते हैं, सलामी लुत्फ जुबां हम जुबां उठाते हैं, गमे हुसैन में जल ए चरागे दागे जिगर, गमे हुसैन में जल ए चरागे दागे जिगर, हम अपनी आंखों पे तेरा धुआं उठाते हैं, हम अपनी आंखों पे तेरा धुआं उठाते हैं, मेरे सुखन का मजा कद्रदान उठाते हैं, प्यार से न इतना प्यार से मुझको गले लगाओ ऐ कब्र, न इतना प्यार से मुझको गले लगाओ ऐ कब्र, के अब शिकस्ता मेरी उस्तखान उठाते हैं, के अब शिकस्ता मेरी उस्तखान उठाते हैं, सलामी लुत्फ जुबां हम जुबां उठाते हैं, उखाड़ के दर खैबर अली ने दी ये सदा, उखाड़ के दर खैबर अली ने दी ये सदा, के इस पहाड़ को यूं पहलवान उठाते हैं, के इस पहाड़ को यूं पहलवान उठाते हैं, मेरे सुखन का मजा कद्रदान उठाते हैं, कहा हुसैन ने कुवत दिखा दे पीरी, कहा हुसैन ने
कुवत दिखा दे ए पीरी के लाशाए पिसरे नौजवान उठाते हैं के लाशाए पिसरे नौजवान उठाते हैं सलामी लुत्फ जुबान हम जुबान उठाते हैं न गुल खुदी कभी ईजा न रंज गुल को न गुल खुदी कभी ईजा न रंज गुल को अबस चमन से हमें बागबान उठाते हैं अबस चमन से हमें बागबान उठाते हैं सलामी लुत्फ जुबान हम जुबान उठाते हैं गुलों की हैं जो यही बेवफाइयां मुनेस गुलों की हैं जो यही बेवफाइयां मुनेस तो इस चमन से हम अब आशियां उठाते हैं तो इस चमन से हम अब आशियां उठाते हैं सलामी लुत्फ जुबान हम जुबान उठाते हैं मेरे सुफन का मजा कद्रदान उठाते हैं ये था मीर मुनिस का सलाम जी। ये मीर मुनिस के रिश्तेदार थे अपने रिश्ता था ठीक कोई बता देगा अच्छा पांडे साहब जी यहाँ तक हम लोग उर्दू में चल रहे थे जी अब आप पूर्वी अवधीश समझ लीजिए इसको एक मिनट आपको बीच में टोकता हूँ जी बोले थोड़ा हमारे नाजरीन को ये भी बता दें कि कहाँ सफारत और कहाँ सोसखानी की दुनिया तो ये आपका सफर कैसे शुरू हुआ और कैसे कायम है ये जरूर बताएं वो किस्सा पुराना हो गया जी वो रह गए पीछे वो जिंदगी पीछे छोड़ आगे आप शुरुआत कैसे हुई है अगर थोड़ा सा बताना बता दें ऐसा तो। था कि देखिए गाना तो हम सीख रहे थे मैट्रिक के बाद से सीनियर कैम्ब्रिज के बाद से हम जब दिल्ली आए तो बॉम्बे हम पल्ले बढ़े थे हम सारा एमए तक तो बॉम्बे रहे दिल्ली की शक्ल नहीं देखी थी जी। जब हम दिल्ली आए उत्तर भारत पहली दफे आए जीवन में वैसे तो हमारा सफर मध्य प्रदेश तो बॉम्बे के बीच में होता था जी। तो जब दिल्ली आए तो एक दफा एक संगीतकार थे दिल्ली के वो हमें पुरानी दिल्ली ले गए तुर्कमान गेट के पास जी। अब एक चीज और आपको ध्यान आपका दिला दें कि हमें एक बैठक में ले गए नशिस्त में ले गए जो कि शियों क्या नहीं थी सुन्नी संगीतकारों क्या थी ये लोग जो हैं सुन्नी जो है वो भी सोजखानी करते हैं सलाम वो भी सुनाते हैं मरसिये वो भी पढ़ते हैं मगर उनका ये कहना है कि हम तो इमाम हुसैन की या हुसैन अली के हम शुजात मतलब बहादुरी की दाद देते हैं तो हम उनका मातम नहीं तो इसको ये लोग अलमदारी कहते हैं तो अलम वगैरह सजे रहते हैं उनके तमाम और यही मजलिस का सिलसिला रहता है अब बात आई मजलिस पर मजलिस क्या तो मजलिस जो है हमारे शिया हजरात जो है इमाम बाड़े में या जिसको लोग आजकल इमाम बारगाह कहते हैं उसमें होती है उसमें एक मिंबर सजा रहता है मिंबर के पीछे अलम और उस पर कुछ कुछ वो लिखे रहते हैं नाम पंजतन पाक के और मजलिस माहे मुहर्रम मुहर्रम के महीने के पहले 10 रोज होती हैं और फिर चहलों को होती है और एक चीज और जब किसी शिया खानदान में कोई
गुजर जाता है, गुजर जाती हैं, तो उनकी याद में भी मजलिस होती है। तो मजलिस में यह होता है कि उनका जिक्र, जो गुजर गए हैं गुजर गई हैं, उनका जिक्र भी होता है और फिर जो है करबला पर आ जाती है बात, ये बताने के लिए कि देखिए आपका जो दुख है उस बहुत ही बड़े दुख में, इतना विशाल वो दुख था, उसका एक छोटा सा हिस्सा है, इसको भी याद। तो इस तरह मजलिस के यहाँ भी, तो उनके चहलों पर, उनके बरसी पर, तो वही चीज हमको लखनऊ लाई थी जी पहली दफा। अब आपको हम एक अवधि जी, जब जू जननिक से कासिम जू घमसान किए रनमा डट के, जब जू जननिक से कासिम जू घमसान किए रनमा डट के, और बैरी मार भगाए दियो पग पाछ न एक धरो हटके, और बैरी मार भगाए दियो पग पाछ न एक धरो हटके, तलवारन से तंचूर भयो और पाग के पेच गिरे कटके, तलवारन से तंचूर भयो और पाग के पेच गिरे कटके, गोरे मुख से यू लहू टपके, सब लोग कहे सहरा लटके, गोरे मुख से यूं लहू टपके, सब लोग कहे सहरा लटके, जब जू झननिक से कासिम जू। हजरत कासिम जो थे इमाम हुसैन के बड़े भाई हसन के लड़के थे, ले इमाम हुसैन की लड़की से शादी हुई थी और अगले दिन वो जंग में मारे गए। जी, ये किस्सा। एक चीज पर और आपका ध्यान दें जी, अब मूल रूप से सोज जो होते हैं वो दो शक्ल के होते हैं, एक तो बैनिया होता है जिसमें किसी का दुख बयान हो रहा है उसको बैनिया, एक होता है रजमी जिसमें लड़ाई का वर्णन। उसमें एक अलंकार विशेष है हिंदुस्तानी संगीत का जो कि हमारे यहाँ जो टप्पा शैली है उसमें इस्तेमाल होता है, तो उसका नमूना सुने जी। मैदान में आमद आमदे कासिम की धूम है, मैदान में आमद आमदे कासिम की धूम है, और जलजले में कीश्वर सुल्तान रूम है, और जलजले में कीश्वर सुल्तान रूम है, अर्जो समाम जिन्न मलक का हुजूम है, हर हमले में बहिश्त बजेरे कुदूम है, हर हमले में बहिश्त बजेरे कुदूम है, बोल है कि ये रियाज़े हसन का निहाल है, बोल है कि ये रियाज़े हसन का निहाल है, इब्ने कनिंदाए दर खैबर का लाल है, भूल है कि ये रियाज़े हसन का निहाल है, इब्ने कनिंदाए दर खैबर का लाल है, मैदान में आमद आमदे। तो ये टप्पे की शक्ल थी जो कि सोज में शामिल की गई।
आखिरी का एक शब्द आपने जब अब परिचय किया था लिखित जी जी जी, लेकिन नोहा क्या होता है जी? नोहा यह होता है जब मजलिस समाप्त होती है, मजलिस का जो आखिरी चरण होता है वो नोहा खानी होता है। ये एक प्रकार का सामूहिक गान है और इसमें लोग अपने सीना जनी करके, छाती पीट पीट करके अशार इसके गाया करते हैं। हमने कभी नोहा खानी की नहीं है, लेकिन आपको बस दो मिसरे सुना देते हैं जी। हाँ, तूने हुसैन टपका जमी पर जगा जगा, तूने हुसैन टपका जमी पर जगा जगा, ता खौफनाक मोमिनो मंजर जगा जगा। इस तरह से अशार इसमें आते जाए। तो पांडे साहब, चलते चलते एक सवाल आपसे पूछूंगा। वो आजकल आप जानते ही हैं कि ये हमारी जो गंगा जमनी तहजीब है, इसके लिए बड़ी चुनौतियां हैं, और इतने खूबसूरत ढंग से आपने हमें ये सोजखानी आज सुनाई है। आपकी सोजखानी, अब आप कैसे देखते हैं आप आने वाले दिनों में इस कला के को कैसे देखते हैं आप? देखिए, हमारे लिए तो हम हैं संगीतकार, हम गाने वाले, तो ये तो सिर्फ एक ही है शैली जिसको हम गाया करते हैं। ऐसे तो बाकी जितनी प्रचलित शैलियां हैं हिंदुस्तानी संगीत की, हम सभी करते हैं। और तो इसका हमारा इसका नजरिया कुछ और है। हमारा ये कहना है कि देखिए, इस शैली में इतने खूबी से शब्दों का और तर्जों का और भाव का जो समन्वय है, तो हम इसको एक उदाहरण के रूप में देखते हैं। और हम इसको जो हम जब ख्याल या ठुमरी या टप्पा या ध्रुपद करते हैं, गाते हैं, तो हम ये उदाहरण देते हुए भी कभी कभी पेश करते हैं कि देखिए इसमें किस खूबी से, कि क्यों हो क्या रहा है कि बहुत सारी हमारी गायकियां ऐसी हैं जहां की जो अलंकार है वो जो शीर्षक है मजमून को डुबो देता है। तो ध्यान दीजिए कि कोई जब कहता है कि आप अमुक जन से राग मुल्तानी में आड़ा चौताल में निबद्ध ख्याल की रचना सुनेंगे, तो ख्याल की रचना तो एक किस्म की शायरी है साहब। राग मुल्तानी ना गाया जाता ना बजाया जाता, या तो उसमें कोई गत बजती है, चाहे रजा खानी हो, चाहे मसीद खानी हो, चाहे फिरोज खानी हो, या उसमें ध्रुपद गाया जाता है, या धमार गाया जाता है, ख्याल गाया जाता है, उस पर आधारित कोई गजल गाया जाता है। तो हमारा ये है कहना। अब आगे इसका क्या होता है हमें मालूम नहीं, क्योंकि हाँ, दूसरी चीज के इसमें एक अच्छी चीज है कि ये अभी तक ये रंगमंच पर नहीं लाए हैं, हालांकि एक दो लोग हैं हमारे पहचान के जो इसका प्रयास कर रहे हैं। उसमें यह है कि कॉन्टेक्स्ट जो है, उसका संदर्भ जो है वो बिगड़ता है। जी, जहां है वहां अच्छी है, सब तो, हर चीज हर जगह शोभा नहीं है। जी, तो आज आप हमारे पब्लिक कैफे में हमारे इस प्रोग्राम से जुड़े और हमारे नाजरीन को आपने सुनाया भी और बहुत अच्छी बातें बताई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया तो आपका है जो हमको याद किया, हम पता नहीं कहां नसीब, ये तो हमारे नसीब की बात थी। और नाजरीन, मुझे उम्मीद है हमारा प्रोग्राम आज आपको पसंद आया होगा, और अगले मंगलवार पब्लिक कैफे में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपकी बात काटते हुए जी, हम भैरवी से समाप्त करते हैं एक सोज से, जिसमें जो बैत है एक मिस्रा फारसी है एक अरबी। अच्छा, हाँ जी, उसी के साथ प्रोग्राम की इंतहा होगी। जी, आप सुनाएं जरूर। जिगर में जब हुआ आबिद के दर्द बे बिदरी, आबिद उनको कहते थे जो एकमात्र उनका हुसैन, इमाम हुसैन का लड़का, जो लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया बीमार होने के कारण, और वो बंदी बनाए गए और उनको शाम सीरिया ले जाया गया और फिर रिहा। अब उनको ले जाया जा रहा,
जिगर में जब हुआ आबिद के दर्द बे पिदरी, तो ऐसा रोया के आंखों में कुछ रही न तरी, तो ऐसा रोया के आंखों में कुछ रही न तरी। वो देख देख के सुए फलक की नोहदरी, नसीम सुबह से बोला वो शाम का सफरी, नसीम सुबह से बोला वो शाम का सफरी, सबाह गुलशन अहबाब मन हमी गुजरी, इदा लकीता हबीबी फकुल लहू खबरी, सबाह गुलशन अहबाब मन हमी गुजरी, इदा लकीता हबीबी फकुल लहू खबरी, जिगर में जब हुआ। आपसे विदा लेते हैं। जी जी, बहुत खूब, बहुत अच्छे और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और नाजरीन, इसी के साथ विदा लेते हैं आपसे। अगले मंगलवार पब्लिक कैफे में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। ज़ैनुल बाजो गो गरीबां बना चुका और कब्रे मुनव्वर पर फूलों की चादर चढ़ा चुका।